कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ेंगे कहाँ से? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत तो जुड़ा हुआ है 2013 से पहले। मैं बता रहा हूँ यूपी की, मैं भी यूपी से ही आता हूँ, ठीक है ना। लाइट ऐसे आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी, वो भी आए, सुना तो सही, वो भी आई आई नहीं आई था, वो भी नहीं आई। आज क्या कह रहे, आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे की 22 घंटे लाइट है, 22 घंटे। क्या सुकून था उसमें, क्या सुकून, कुछ भी सुकून नहीं था, क्या सुकून था है? मतलब हर चीज का मजा भी चाहिए, बचत भी चाहिए, अरे मतलब फ्री का चाहिए बिल्कुल। कि मोदी जी के परिवार में या कोई मोदी जी के परिवार में से कोई है पॉलिटिक्स में? एक चीज बता दीजिए मुझे, मोदी जी के या योगी जी के परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में है? नहीं तो देखो, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, सब घुसा के बैठा लेते हैं पॉलिटिक्स में। मोदी जी की पार्टी में मोदी जी का कोई भी, मतलब कोई रिलेशन में भी, अगर ब्लड रिलेशन छोड़ दीजिए, दूध दूध तक रिलेशन में भी कोई हो तो बता दीजिए आप। कह रहे हैं जो केंद्र में बैठे हैं सारे जुमलेबाज हैं, जनता के जो वादे किए थे जनता से कोई खरे नहीं उतरे सरकार। भाई साहब एक चीज बताइए, 70 साल में अगर वर्ल्ड में एक भी हमारे लीडर को, अगर प्राइम मिनिस्टर को भी कोई जानता हो तो इससे पहले बता दीजिए। लेकिन जो मोदी जी ने जो काम किया है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं मोदी जी, और उन पे क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम सेना पे कह रहे हैं कि सेना के लिए जो कह रहे हैं हम कि सेना पिट रही है, ऐसा वर्ड कभी नहीं करना चाहिए। और एक चीज बता दीजिए मुझे, जब सर्जिकल स्ट्राइक इसी सेना ने की थी तब कहाँ थे ये लोग? तब क्यों नहीं समर्थन किया सेना का? तब भी तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। तो इनका तो काम विरोध करना है और ये विरोध करेंगे, चाहे मोदी जी कुछ भी करें ये विरोध करेंगे। कुछ चंद लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके विरोध करने से। 2024 में फिर मोदी जी आएंगे, देख लेना। क्यों मोदी जी आएंगे? महंगाई को लेकर आप, महंगाई पर मोदी जी की योजनाएं बहुत बढ़िया हैं और जो कि जनता को बहुत पसंद है। कोई जनता यहाँ खड़ी है, भाई साहब कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है, भाई साहब कह रहे हैं महंगाई ज्यादा, आप कह रहे हैं कुछ भी किलो आता है। अगर 5 साल और आ गई ना सरकार बीजेपी की तो लूट मच जाएगी पूरे देश में, चोरी करना स्टार्ट कर देगा आदमी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है, केंद्र क्यों नहीं सोचती इस चीज पर? सर एक चीज बताइए, राजस्थान में राहुल जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करूंगा। मुझे बता दीजिए राजस्थान में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? मुझे एक चीज बता दीजिए कि कितने किसानों का माफ किया? और जहां तक बात है राजस्थान की, राजस्थान सर एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ेंगे कहां से? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है। राहुल जी कृपया, भारत जोड़ रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ सिर्फ ये कांग्रेस की अपनी यात्रा निकल रही है, कांग्रेस की कांग्रेस ओनली क्या कर रही है, ठीक है उनका विरोध करना, उनका लोकतांत्रिक का अधिकार है और विरोध करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, जनता इस चीज को नहीं मान रही जो उन्होंने उस पर बोला है ना सेना पे, ये शब्द बहुत गलत बोला है राहुल जी ने और ये नहीं बोलना चाहिए। कौन से बोला था भाई साहब? अरे कि सेना पिट रही है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। सेना के लिए ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो चाहे राहुल जी हो चाहे कोई और हो, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है आप विपक्ष में हैं तो आप मोदी जी पे तर्क करिए। जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बाकी जोड़ने की जरूरत है भारत? एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए मुझे कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल की जी की सरकार है, राजस्थान में राहुल जी की सरकार है कांग्रेस की, तो राजस्थान में महंगाई कम करते हैं अब तो, वहाँ पे हिमाचल में सिलेंडर सस्ता करेंगे और भी चीज। अरे सर कहाँ सस्ता हो रहा है, ये सिर्फ कहने की बात है। महंगाई को लेकर चर्चा है कि महंगाई पे बात, 500 रुपए का सिलेंडर कब कम होएगा? कब होएगा? 70 सालों में हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार कर रही है, गोले सरकार राहुल गांधी ने, मैं पहले करो बोलो करके दिखाओ पहले, अब 2-3 राज्यों में सरकार है ना उनकी, पहले वहाँ पे कर दो, अपने आप परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, एक बार करो तो सही यार। कितनी बोल तो दिया सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम देंगे, जनता को राहत पहुंचाएंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, पता नहीं कितने सालों से बोलते हुए आ रहे, अब तक तो हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कांग्रेस सरकार जब बनी थी उसने वादा किया था 1 रुपए 1 यूनिट,
उसने अपना वादा पूरा किया। ढाई साल तक मैं बराबर 100 रुपए 80 रुपए जितना भी आता था, इससे ज्यादा नहीं आता था बिजली बिल। आज 2000 रुपए भर रहा हूँ मैं बिजली बिल घरों में। इनका कौन से वादे हैं? पूरी महंगाई कर दी, हर चीज कर दी। 2015 में 10,000 रुपए था फैक्ट्री वर्क में, आज भी 10,000 रुपए। सोच लो आप, 5 साल में तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई, क्या बचाएगा इंसान? यूपी में किसानों का पैसा नहीं मिलता भाई, गन्ने का। ये भाई कह रहे हैं यूपी में बिजली का बिल आज से 2013 से पहले, मैं बता रहा हूँ यूपी की, मैं भी यूपी से ही आता हूँ, ठीक है ना। लाइट ऐसे आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी, वो भी आए, सुना तो सही, वो भी आई आई नहीं आई था, वो भी नहीं आई। आज ये कह रहे, आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे 22 घंटे लाइट है, 22 घंटे। क्या सुकून था उसमें? क्या सुकून? कुछ भी सुकून नहीं था, क्या सुकून था है? मतलब हर चीज का मजा भी चाहिए, बचत भी चाहिए, अरे मतलब फ्री का चाहिए, बिल्कुल फ्री का, अपनी रगों में फ्री का जहर भर लो, बिल्कुल हर चीज की सुविधा चाहिए और फिर फ्री का भी चाहिए। हाँ, राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं केंद्र में आएंगे तो हम पूरे देश में सस्ती कर देंगे, क्या लगता है 24 को लेकर? भाई साहब एक चीज बताइए, मैं राहुल जी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो लीडर है, ठीक है, अपोजिशन। सुन लीजिए मेरी बात को, लेकिन एक चीज बताइए, जब पिछली बार राहुल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, तो आपने देखा था स्टेज पे खड़े होके कैसे संविधान का जो पर्चा था ना, कैसे फाड़ दिया था उन्होंने, वो पर्चा कैसे फाड़ा था कि 12 सिलेंडर और 9 सिलेंडर, उसी में उनकी तकरार होती रही, तब क्यों नहीं कम कर दिया था, तब कर देते राहुल जी। बस ये सिर्फ कहने की बात होती है, कुछ भी नहीं है। और मोदी जी जो चाहते हैं, हम आपकी तानाशाही बदलाव चाहते हैं, बस हम बदलाव विकल्प कौन है भाई साहब? हम तो ये कहते हैं कोई भी सरकार आए हमारे देश के, हमारे मोदी साहब भी बढ़िया है, पर थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है उनके राज में। जैसे विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा भी तो होना चाहिए, कौन है? उससे फर्क नहीं पड़ता कौन पीएम बनेगा, एक पीएम अकेला देश नहीं चलाता, नीतियों से देश चलता, आईएएस आईपीएस सारे मिलके एक नीति तैयार करते, उस हिसाब से देश चलता। एक चेहरा तुम टांग दोगे लाल किले के ऊपर, बोले बस ये देश चलाएगा, वो देश चलाता? चेहरा भी तो होना चाहिए विपक्ष की तरफ से पीएम की रेस में, नीतीश कुमार जो काबिल होगा वो बन जाएगा। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी कि भाई किसके पास ज्यादा सदस्य हैं, उसे बना दिया जाएगा, ये थोड़ी ना बात है, कोई भी हो सकता है विपक्ष की तरफ से। सर एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, इंडिविजुअल में किसी भी पार्टी से लिंक नहीं है, लेकिन एक चीज बता दीजिए मुझे कि मोदी जी के परिवार में या कोई मोदी जी के परिवार में से कोई है पॉलिटिक्स में? एक चीज बता दीजिए मुझे, मोदी जी के या योगी जी के परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में है? नहीं तो देखो, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, सब घुसा के बैठा लेते हैं पॉलिटिक्स में। मोदी जी की पार्टी में मोदी जी का कोई भी मतलब कोई रिलेशन में भी, अगर ब्लड रिलेशन छोड़ दीजिए, दूध दूध तक रिलेशन में भी कोई हो तो बता दीजिए आप।